हेलो एवरीवन, वेलकम टू अल्पना शुक्ला लाइफस्टाइल। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पे हो चुकी है पूजा। रेडी हो चुकी हूँ और देखिए मौसम यहाँ का कितना ज़्यादा लग रहा है कि अभी मतलब 6 भी नहीं बजे है। मौसम तो ऐसा है, लग रहा है कि 6 भी नहीं बजे है अभी और इतना ज़्यादा हो रहा, और मतलब लग रहा है कि बहुत तेज़ बारिश आने वाली है। बहुत ज़्यादा तेज लग रहा है, बारिश आने वाली है। तो पूजा तो मेरी भी हो चुकी है और अब बनाऊंगी मैं चाय। तो वेदांत जी के पापा तो यहाँ पे नहीं हैं, उनको जाना पड़ा था कल कुंडा, और कुंडा गए क्योंकि वहाँ पे पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इस वजह से उनको कुंडा जाना पड़ा था। और मुझे शाम को और मैं और वेदांत जी हैं यहाँ पे, और अब जा रहे हैं, अब मैं जा रही हूँ चाय बनाने। वेदांत जी ने तो नाश्ता कर लिया है, इसको मैंने दूध बिस्किट दे दिया था उठते ही, और अभी रेडी करना है वेदांत जी को। तो चलते हैं चाय बनाती हूँ। और इतना ज़्यादा अंधेरा हो रखा है, जैसे लग रहा है लगेगा कि 10 बज रहे हैं और इतना ज़्यादा अंधेरा हो रखा है। तो सुबह उठते ही मेरा बहुत सारा काम हो गया था, मैंने सुबह उठते ही बहुत सारा काम कर लिया था, इसलिए मैं लेट नहाई आज, नहीं किया था मैंने, तो काम में ही लग गई थी। और इसे पहले गर्म कर लूंगी और मैं बनाऊंगी फटाफट अपने लिए चाय। तो यहाँ बारिश शुरू हो गई है और बहुत तेज बारिश हो रही है, मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को। मैं बेचारी का और बेचारा डाली आज ही मैंने घर साफ़ किया था अपना, और सुबह उठ के मैंने पूरा घर साफ़ कर दिया था। और ऐसा होता है ना अक्सर कि जिस दिन घर साफ़ करो उसी दिन बारिश हो जाती है, तो आंधी आ जाएगी या तो तूफान आ जाएगा और पूरा घर गंदा हो जाता है, और मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता ही होता है। और सुबह के नाश्ते में लग रहा था कि क्या बनाऊँ, और बारिश भी हो चुकी थी तो इसलिए मैंने हलवा बना दिया था। वेदांशी के पापा तो नहीं है, मैं और वेदांशी ही थे, थोड़ा सा बनाया था फिर, और मैंने और वेदांशी ने खाया। तो कभी कभी मन करता है हलवा भी खाने का, टेस्टी लगता है सूजी का हलवा भी। तो यहाँ बन चुका है मेरा हलवा और रेडी हो चुका है खाने के लिए। मैं हो चुकी हूँ अब रेडी, और अभी खाना नहीं बनाया, तो फिलहाल हम लोगों ने नाश्ता कर लिया है और बज रहे हैं 11:15। तो अब मैं खाना बनाऊंगी, वेदांशी को मैंने बैठा दिया पढ़ने के लिए, वेदांशी पढ़ रही है अभी। जोरदार बारिश रुक चुकी है और बहुत तेज़ बारिश होगी, तो अचानक से अंधेरा हो गया था और अब तो ठीक हो गया है। जी पढ़ रही है, और क्या लिख रही है वेदांशी बताओ। तो यहाँ बहुत टाइम बाद मैं लगाने वाली हूँ नेल पेंट, तो बहुत टाइम बाद इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब भी मैं नेल पेंट लेके बैठती हूँ वेदांशी मेरे लगा देती है, और वो ऐसे लगाती है ना कि 5 फिंगर्स में 5 अलग अलग कलर की नेल पेंट लगाती है। तो बहुत टाइम से मैंने अपने आप से नेल पेंट नहीं लगाई थी, तो आज वेदांशी को बहुत मतलब मैंने समझाया कि आज मैं लगा लेती हूँ, आप कुछ और कर लेना। तो बहुत कहने पे मानी है, कह रही कि मैं जो है आपका मेकअप करूँगी, फिर आप नेल पेंट अपने आप से लगा लो बट मैं आपका मेकअप करूँगी। तो देखिए मेकअप का बैग लेके जा रही है मुझे मेकअप करने के लिए, तो आज तो मेकअप करवाना ही पड़ेगा क्योंकि मैंने नेल पेंट नहीं लगवाई है वेदांशी से, इसलिए मुझे मेकअप करवाना पड़ेगा। पहले
यहाँ शुरू हो चुका है मेरा मेकअप, और देखिए आईज मेकअप और मतलब सारा मेकअप करेंगी वेदांशी। वेदांशी का मेकअप हो चुका है, कम हो चुका, और मुझे फाइनली फ्री कर दिया वेदांशी ने। और यहाँ पे मैं चिप्स और पापड़ तल रही हूँ। तो शाम हो चुकी है और वेदांशी के लिए दलिया बना रही थी।